नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आज का जो टेस्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल हिंदी का टेस्ट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान रीट परीक्षा 20 जून 2021 के लिए दोस्तों, यहाँ पर यानी कि जिस तरह का आपका हिंदी का यानी कि टेस्ट पेपर होगा दोस्तों, यहाँ पर रीट का उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज बने रहिएगा और पूरी तरह से क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहां पर। आज पता चलेगा कि आप हिंदी में कहां तक आपकी तैयारी चल रही है दोस्तों यहां पर। अगर आपकी तैयारी कम है तो उसको दोगुना कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। ये मौका है 16 लाख स्टूडेंटों से आगे निकलने का है दोस्तों यहां पर। इसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर हिंदी में, और 30 क्वेश्चन में से आपको यहां पर 25 प्लस करके आने हैं दोस्तों यहां पर, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों यहां पर। अगर जिसके अभी 20 बन रहे हैं दोस्तों यहां पर, 20 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पर 5 प्लस और करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहां पर। अभी आपके पास टाइम है दोस्तों यहां पर, तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर इस वीडियो के माध्यम से कि हिंदी की तैयारी आपकी कहां तक पहुंची है दोस्तों यहां पर। आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यानी कि SST सामाजिक अध्ययन की यानी कि टेस्ट सीरीज दी है दोस्तों यहां पर, और वो देते रहेंगे दोस्तों यहां पर। देखिएगा SST के लिए दोस्तों यहां पर अभी 10 कॉन्सेप्ट और क्लियर होना बाकी है दोस्तों यहां पर। अभी मैं हिंदी के जो बीच में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, पर इसको कंप्लीटली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताएगा। ऑप्शन नंबर ए ए उपसर्ग, या फिर अस उपसर्ग, या फिर अल उपसर्ग, या फिर सफल उपसर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा सभी स्टूडेंट। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों यहां पर। असफल में ध्यान रखना, उपसर्ग किसे कहा जाता है जो कि वाक्य के शुरू में जो शब्द जुड़ता है और वाक्य में कुछ परिवर्तन करता है दोस्तों यहां पर, उसको उपसर्ग कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, सिर तोड़ में कौन सा समास है बताएगा दोस्तों यहां पर, कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने है, करण तत्पुरुष समास, या फिर अपादान तत्पुरुष समाज, या फिर सांप्रदायिक तत्पुरुष समाज, या फिर कर्म तत्पुरुष समाज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहां पर, प्लीज बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि कर्म तत्पुरुष समाज का यहां पर प्रयोग हुआ है दोस्तों यहां पर सिर तोड़ शब्द में। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द है बताइएगा कौन सा है, अंत अध अर्थ, या फिर इति। तो इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर बताएगा यानी कि अत अत अर्थ अर्थ या फिर इति हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इति। जी हां दोस्तों, इसका इति विलोम शब्द है, अत का है जो विलोम शब्द हो जाएगा वो इति हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। इस तरह से 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत कौन सा है बताएगा, क्रय ये, या फिर या, या फिर ये। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि इस जो शब्द में जो प्रत का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये का प्रयोग, ये का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहां पर। और ध्यान रखिएगा प्रत किसे कहते हैं, तो प्रत कहते हैं दोस्तों यहां पर शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द को प्रत कहा जाता है दोस्तों यहां पर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सही बर्तनी वाला रूप कौन सा है बताएगा, कोताहल, या फिर कोताहल, या फिर कोतुहल, या फिर कोतेहल। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट बताइएगा दोस्तों यहां पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, कोतुहल हो जाएगा दोस्तों यहां पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने ये मौका है दोस्तों यहां पर हिंदी में, आज आजमा लीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी कहां तक पहुंची है हिंदी में, आप कहां तक कर सकते हो दोस्तों यहां पर पेपर को क्रैक। तो इस पेपर को पूरी तरह क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहां पर। ध्यान रखिएगा मैं बीच बीच में यहां पर आप लोगों के लिए हिंदी का भी पेपर लेता आता रहूंगा दोस्तों यहां पर, शिक्षण विधि का भी पेपर लेता आता रहूंगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि एक साथ यानी कि 150 प्रश्न लाना दोस्तों यहां पर थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि वहां पर आप लोग दोस्तों यहां पर एक साथ वीडियो को नहीं देख पाओगे, एक घंटे के वीडियो को आप लगातार नहीं देख पाओगे, बोर हो जाओगे। तो इस तरह से मैंने सोचा है दोस्तों यहां पर
कि 30 प्रश्न आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज में मिलेंगे और 30 प्रश्न दोस्तों यहां पर आपको शिक्षण विधि में मिलेंगे दोस्तों यहां पर टेस्ट सीरीज में, और ध्यान रखिएगा 60 क्वेश्चन एसएसटी में मिलेंगे दोस्तों यहां पर। इस तरह से हम यहां पर पेपर क्लियर करते जाएंगे दोस्तों यहां पर और आपकी तैयारी भी अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अंधा नाम नैन सुख लोकोक्ति का अर्थ बताएगा, अंधे के आंख होना या फिर आंखों की ज्योति जाना या फिर गुण के विपरीत नाम या फिर हर चीज का कारण होना। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर बताएगा तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि गुण के विपरीत नाम होना दोस्तों यहां पर, आंख का अंधा नाम नैन सुख इस लोकति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहां पर गुण के विपरीत नाम होना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ बताएगा, दूसरों को दोष देना या फिर दूसरों की निंदा करना या फिर अपना दोष खुद को न दिखाई देना अंधेरा छाना। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना दोष खुद को नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से दोस्तों यहां पर दीपक के नीचे अंधेरा रहता है दोस्तों यहां पर, उसी तरह से जो व्यक्ति होता है वो अपने दोष को नहीं देखकर दोस्तों यहां पर दूसरे व्यक्तियों में दोष देखता है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताएगा, दोस्तों इस शब्द का अर्थ बताना है, ये रेखांकित शब्द है दोस्तों यहां पर चौराहा, तो ध्यान रखिएगा चौराहे का दोस्तों यहां पर आपको अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि चार मंजिलों का भवन या फिर वह स्थान जहां चार रास्ते मिलते हो या फिर चारों तरफ देखने वाला या फिर एकाधिक स्थान जहां पर चार रास्ते मिलते हो, दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जहां पर चार एकाधिक स्थान जहां पर चार रास्ते मिलते हो, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। चलते रहिएगा दोस्तों यहां पर सभी स्टूडेंट और बने रहिएगा दोस्तों यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्कर्ष का सही विलोम बताइएगा, अपकार अवंती अपकर्ष या फिर अपयस अपयस। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर बताना है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा दोस्तों यहां पर नौवीं का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि अपकर्ष हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि उत्कर्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अपकर्ष हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर इनमें से विदेशी शब्द बताएगा, दोस्तों इनमें से जो विदेशी शब्द है वो कौन सा है बताएगा, राष्ट्र व्यक्ति या फिर निरंतर या फिर दौरान। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर दौरान हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ये जो दौरान जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों यहां पर, ध्यान रखिएगा ये अरबी भाषा का शब्द है दौरान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो देशी शब्द हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, यानी कि राष्ट्र हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा दोस्तों यहां पर, इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहां पर, देशी और विदेशी शब्द रट लेना है दोस्तों यहां पर अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, एक अच्छे मूल्यवान की विशेषता नहीं है बताएगा, वैधता वास्तु निष्ठता या फिर आत्मनिष्ठता या फिर व्यापायिकता। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहां पर ग्यारहवीं का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्यारहवीं का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आत्मनिष्ठा हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहां पर, ये पेपर आप लोगों ने यानी कि कितना प्रतिशत हल किया है दोस्तों यहां पर। अगर आप लोगों ने दोस्तों यहां पर पहली सीरीज में दोस्तों यहां पर यानी कि 75 और 80 के बीच यहां पर क्रैक किया है दोस्तों यहां पर, आपकी तैयारी बहुत पावरफुल है दोस्तों यहां पर, इस तैयारी को आपको 95% तक ले जाना है दोस्तों यहां पर आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, हंसने वाला में प्रत कौन सा है बताइएगा, बाला ला या फिर आला या फिर आंख। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने बताना है सभी स्टूडेंटों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाला हो जाएगा दोस्तों यहां पर। प्रत पूछा है तो प्रत मैंने अभी आपको बताया है वाक्य के अंतिम चरण में जोड़ने वाला शब्द जो कि वाक्य में परिवर्तन करता है उसको क्या कहा जाता है, प्रत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाला हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर बाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है बताएगा, इनमें से कौन सा युग्म गलत है बताएगा, ये नशा मन नशा मंद या फिर निशान चिन्ह या फिर नगर शहर या फिर नारी स्त्री। तो ध्यान रखिएगा इसमें से गलत शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, नशा बोलते हैं मंद, निशान चिन्ह नगर शहर नारी स्त्री, तो इनमें से जो गलत है वो निशान चिन्ह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों यहाँ पर एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, महात्मा में कौन सा समाज है बताइएगा, तत्पुरुष समाज, अव्यय भाव समाज या फिर बहुबरी समाज या फिर कर्मधारय समाज। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समाज हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है बताइएगा, पूरब अंगज या फिर कनिष्ठ या फिर भूत। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, आपके पास बहुत टाइम है दोस्तों यहाँ पर, इस वीडियो में मैं आपको टाइम दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, ताकि आप सोच समझकर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो दोस्तों यहाँ पर अच्छे तरीके से, जल्दबाजी मत करना दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्येष्ठ का जो बिलोंग हो जाएगा वो कनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है कौन सा शब्द बताएगा, पर्या प्लस वरण या फिर परिधि प्लस आवरण या फिर परिधि प्लस आवरण या फिर परि प्लस आवरण। तो इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा बताएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि परि प्लस आवरण, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। काफी छोटा वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, 30 ही क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कंप्लीटली आपका पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द बताइएगा, विनाश या फिर इतिश्री या फिर श्री राधा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, 17 का सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि इतिश्री हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। गणेश का विलोम शब्द पूछा है, गणेश का विलोम शब्द पूछा है, तो इतिश्री हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्धि है बताएगा दोस्तों यहाँ पर, कलश पूर्ण या फिर रसायन या फिर कल्याण। तो ध्यान रखिएगा बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूर्ण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पूर्ण यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो सब कुछ जानता हो बताइएगा, यज्ञ कृतज्ञ या फिर विशेषज्ञ या फिर सर्वज्ञ। तो ध्यान रखिएगा बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सर्वज्ञ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 19वें नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरोहित में उपसर्ग है बताइएगा, कौन सा उपसर्ग है जो कि पुरोहित में लगा हुआ है, पुरा या फिर पुर या फिर पुरुष या फिर पुर उपसर्ग। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर बताएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी कौन सा शब्द है, पृथ्वी कौन सा शब्द है बताइएगा, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21वें नंबर का सही आंसर बताना है आप सभी लोगों को, तो ऑप्शन है आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि तत्सम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वी जो शब्द है वो तत्सम हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भेद है बताइएगा, शब्दों के भेद पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 5 या फिर 7 वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 4 वेद है दोस्तों यहाँ पर, शब्दों के कितने वेद है, 4 वेद हो जाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहा जाता है बताइएगा, अनुस्वार या फिर अक्रांत या फिर अंतिस्थ या फिर अयुग्मवाहा। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकारांत शब्द कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, अकारांत शब्द हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, उत्पत्ति हो जाती है ए जुड़ने से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग
उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब वो शब्द पहचाना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताना है आप लोगों के लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, लाभदायक, अपमान या फिर अपनामपन या फिर उपकार या फिर पढ़ाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपकार हो जाएगा, जिसमें उ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहाँ पर उपकार में। तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके एग्जाम में। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्रत्य और उपसर्ग, ब्लॉब शब्द, पर्यायवाची, दोस्तों ये शब्द तो ये जो टॉपिक है वो तो आपको रटना है दोस्तों यहाँ पर 100%, यहाँ से एक एक कॉन्सेप्ट में से दो दो क्वेश्चन या फिर एक एक क्वेश्चन तो 100% आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। इग्नोर मत करना दोस्तों यहाँ पर, एक भी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रट लेना है दोस्तों यहाँ पर, ये मौका है दोस्तों जो बार बार नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, महा प्लस इंद्र या फिर महे प्लस इंद्र या फिर महो प्लस इंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, महा प्लस इंद्र जो कि महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांच क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इन पांच प्रश्नों को और क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, कुछ भी असर न होना या फिर कठिनता पूर्वक कार्य करना या फिर गुणवत्ता पर ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना या फिर गैर जिम्मेदार होना, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुण पर ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना दोस्तों यहाँ पर, घास काटने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, मुहावरा और लोकोक्तियां दोस्तों 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक लोकोक्ति का कौन सी है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है तो इसमें इस वाक्य में लोकोक्ति कौन सी प्रयोग की जा रही है, बताएगा ऊंट के मुंह में जीरा या फिर ऊंची दुकान फीके पकवान या फिर एक अनार सौ बीमार या फिर आधा तीतर आधा वटेर, तो बताना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहां पर कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों यहां पर, 100% आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों यहां पर। 27वें नंबर का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, बताएगा व्यंजन संधि या फिर यण संधि या फिर गुण संधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा शब्द देखिएगा दोस्तों यहां पर, शब्द कौन सा है, तिरस्कार, तिरस्कार शब्द है तो इसमें से कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहां पर, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द से असंगत है, बताएगा दोस्तों यहां पर, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, पहचानिए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर, तो ध्यान रखिएगा विनाश, वातावरण, स्थिति, स्थिति या फिर परिणाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति हो जाएगा दोस्तों यहां पर, और स्थिति हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये स्त्री जो शब्द है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर इस सीरीज का, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट, यानी कि समाज का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार, विच्छेद, विग्रह या फिर संक्षेप, तो इसका सही आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताना है सभी स्टूडेंटों को, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा संक्षेप हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि समाज शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो संक्षेप हो जाएगा, और प्लीज बताइएगा दोस्तों यहां पर आप कमेंट में बताना है दोस्तों यहां पर कि इस पेपर में आप लोगों ने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहां पर, क्या आप 80% से ऊपर हो या फिर 70% और 80% के बीच में हो या फिर दोस्तों यहां पर 60% के बराबर हो दोस्तों यहां पर, जरूर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर, और प्लीज बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि हम प्रत्येक सीरीज का यहां पर पार्ट लेकर आ रहे हैं दोस्तों यहां पर, जैसे हिंदी के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो 30 का एक मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए
लाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा एसएसटी के एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पर 60 प्रश्न आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पेपरों के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर एक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर शिक्षण विधि में 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसका भी पेपर लाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हिंदी का भी पेपर लाया जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर रेट की पूरी कंप्लीटली तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज और आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप पिंकेश मीना राजस्थान जी के टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एसएसटी के आपके 5 कॉन्सेप्ट या 10 कॉन्सेप्ट और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी यानी कि दोबारा से कराया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए, और प्लीज बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।